मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में एसएसपी रुचिवर्धन मिश्र के निर्देशानुसार महिला सशक्तिकरण को लेकर जिले में कई आयोजन पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं, जहां उन्होंने महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार एवं महिलाओं के साथ हो रहे विभिन्न प्रकार के क्राइम के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्हें गुड टच एवं बेड टच के बारे में बताया गया। इसी के तहत बुधवार को बेटमा नगर के शासकीय उत्कृष्ट कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कस्तूरबा कन्या छात्रावास में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बेटमा थाना एसआई रोशनी जैन और आशिक हुसैन ने छात्राओं को सुरक्षा एवं आत्मरक्षा करने की जानकारी दी। महिलाओं की सहायता के लिए चल रहे हेल्पलाइन नंबर 1090 डायल 100 के संबंध में विस्तार से समझाया। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। थाना बेटमा में एक यह स्कूल में हम आए हैं, जो सारी बालिकाओं को हम महिला सशक्तिकरण के बारे में गुड टच बैड टच या महिला क्राइम कैसे कैसे हो रहा है और वह आगे पढ़े, इन सब के बारे में हमने जानकारी दी है, जिसमें महिला सशक्त हो और अच्छे से पढ़ाई करके किसी भी क्राइम या किसी भी चीज़ अपराध में विक्टिम ना हो, इसलिए हमने ये प्रोग्राम चलाया है। यहाँ पे लगभग उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय है, उसमें हमने सारे बच्चियों को बताया है कि कैसे कैसे आप पढ़ाई कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, और आपको कोई भी परेशानी हो तो आप कैसे हमको संपर्क कर सकते हैं। रोशनी जैन मैडम ने बच्चियों को काफ़ी अच्छी जानकारी दी कि वे कैसे अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट रह सकती है और किस तरीके से उनके साथ जो शोषण होता है उसकी भी काफ़ी अच्छी जानकारी दी कि बच्चियां किसी भी प्रकार से मतलब यौन शोषण होता है, उसमें देह व्यापार होता है, उस चीज़ में जब बच्चे कैसे किसी और के जाल में नहीं फंसना है, उनको किस तरीके से उनको बुलंद बनना है, किस तरीके से अपना एजुकेशन कंप्लीट करना है और इंडिपेंडेंट रहकर बाद में शादी के बारे में सोचें। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत जल्दी शादी हो जाती है, उस बारे में भी मैडम ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी कि बच्चों को किसी भी बात से डरना नहीं है, सबसे पहले अपने टीचर, अपनी मम्मी और उसके बाद पुलिस तक भी यदि ज़रूरत पड़े तो उनको आना है और पुलिस उनकी पूरी सहायता करेगी। इससे बच्चों में भी काफ़ी उत्साह आया और काफ़ी सारे बच्चों ने बताया कि हम पुलिस बनना चाहते हैं। उनको देखने से बच्चों को बहुत मनोबल मिला कि वास्तव में हम पुलिस बनकर भी जनता की सेवा कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी जानकारी मिली और हमें भी बहुत अच्छा लगा उनका ये सानिध्य। आपका नाम? मेरा नाम रश्मि बारगल, मैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेटमा में गणित की शिक्षिका हूँ। मैडम रोशनी मैडम ने हमको ये जानकारी दी है कि हमें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, हमें यदि हमारे प्रति कोई गंदी बात है या कोई गंदी हरकतें करता है तो हमें हमारी टीचर, हमारी मैडम या हम पुलिस को बताना चाहिए। हमें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए और वह जहाँ पे ले जाता है वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। आप क्या बनना चाहते हैं? हम वकील बनना चाहते हैं, हम लॉयर बनना चाहते हैं। मेरा नाम राधिका चौहान। मेरा नाम मणिका, मेरे पिता का नाम पुष्करण कुमार है और मैं छात्रावास में रहती हूँ और मेरा गांव बोटना है, पर मुझे 15 साल छात्रावास में आई और हमारे बेटमा थाना से मैडम आए जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा शिक्षा दी है और मुझे पुलिस बना जैसा बनना है। और एक बात यह भी कि अपनी खुद की भी सुरक्षा करनी चाहिए, आत्मसुरक्षा, और आत्मसुरक्षा के लिए हमें कराटे भी सीखना है। यह भी लड़कियों को पता होना चाहिए कि अपनी सुरक्षा के लिए हमको कराटे सीखना है, इसलिए हम छात्रावास में रोज कराटे भी सीखते हैं और हर लड़की को कराटे सीखना चाहिए और मैडम के जैसा पुलिस बनना चाहिए और मेरा भी लक्ष्य है कि मैं मैडम के जैसे पुलिस बनूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।